हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्लैमिंगो बर्ड के बारे में। फ्लैमिंगो बर्ड को हम हिंदी में राजहंस भी कहते हैं। दुनिया भर में फ्लैमिंगो की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। फ्लैमिंगो पक्षी आम तौर पर बड़े झुंड बनाकर रहते हैं। इनके एक झुंड में पक्षियों की संख्या हजारों तक हो सकती है। इनको अपनी पतली तथा लंबी टांगों के लिए जाना जाता है। इनकी एक घुमावदार चोंच तथा गुलाबी पंख होते हैं। फ्लैमिंगो के पैरों का विस्तार 3 से 5 फीट तक होता है। फ्लैमिंगो बहमास नामक देश का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी 37 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। इसका वजन लगभग 2 से 4 किलो तक हो सकता है। राजहंस का औसत जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष का ही होता है। कैद में ये पक्षी 50 साल की उम्र तक रह सकते हैं। यह पक्षी गर्म और ठंडे तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। राजहंस के मस्तिष्क का आकार उसकी आँख से भी छोटा होता है। एनिमेटेड फिल्म दिल्ली सफारी में राजहंस पर एक सुंदर और मधुर गीत आओ रे परदेसी मारे घर आओ दिखाया गया है। फ्लैमिंगो की चोंच अन्य पक्षियों से भिन्न मोटी व टेढ़ी होती है, जिसे पानी में डालकर यह सुविधाजनक प्रणाली से मछली, मेंढक, केकड़ा, घोंघा, कीड़े मकोड़े आदि को अपने भोजन के लिए पकड़ता है। इसकी लंबी गर्दन, पूंछ तथा पैरों का रंग भी गुलाबी होता है। ग्रेटर फ्लैमिंगो की चोंच हल्की गुलाबी होती है, जबकि लेसर फ्लैमिंगो की चोंच गहरे लाल रंग की होती है। फ्लैमिंगो बर्ड बहुत ही अच्छा नृत्य करते हैं। जब ये पक्षी थक जाते हैं तो आराम करने के लिए वह एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी फ्लैमिंगो के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।